नमस्कार साथियों, कंपटीशन विंग के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। अब आज हमारा जो क्लास है वो है हिंदी की क्लास, ठीक है। हिंदी में हम लोग आज पढ़ने वाले हैं संधि। सबसे पहले इम्पोर्टेंट ये है कि हिंदी की क्लास में किस स्तर से क्वेश्चन आएगा और कौन से एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, ये दो क्वेश्चन ज्यादातर बच्चों में रहता है कि हम ये सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, कहाँ कहाँ हम अप्लाई कर सकते हैं। तो आपको याद रखना है कि हिंदी की जो समझ होती है, ठीक है, थोड़ा से क्या होता है, हर एग्जाम में कंपलसरी किया गया। अगर आप छत्तीसगढ़ या नॉर्थ बेल्ट के एग्जाम में देंगे तो आप इंस्पेक्टर लेवल का कोई भी पेपर दे रहे हैं, ठीक है, या इसके साथ सीजी व्यापम लेवल का कोई भी पेपर दे रहे हैं। जैसे अभी एसआई मेंस होने वाला है, 125 नंबर का रहेगा। मैंने कुछ कुछ एग्जाम के लिए जो नंबर डिस्ट्रीब्यूट है उसको लिए बना दिया है। अगर हम लोग बात करें, ठीक है, तो देखिए एडीओ के एग्जाम में बात करते हैं, एडीओ की एग्जाम की बात करते हैं, ठीक है, जो कि हो सकता है कि एक या दो महीने में आ जाए। तो आपको 150 नंबर का पेपर रहेगा, एक एक अंक रहेगा, इसमें से 30 नंबर जो क्या रहेगा, एडीओ के लिए फिक्स रहेगा, ठीक है। दूसरा हम लोग देखते हैं एसआई मेंस, एसआई मेंस की बात करें तो 600 नंबर का पेपर है, तीन पेपर होगा, लैंग्वेज, मैथ्स और जीएस, इसमें से 125 नंबर का आपका क्या रहेगा, हिंदी का कंट्रीब्यूशन है। तीसरा हमारा है सीजीपीएससी मेंस का, सीजीपीएससी मेंस की बात करें तो टोटल होता है 7 पेपर, 200 नंबर का, 1400 का, उनमें से 100 नंबर का आपका क्या रहता है, कंट्रीब्यूशन रहता है। हालांकि इसके सिलेबस थोड़ा सा अलग है, डिस्क्रिप्टिव लिखना पड़ता है और इसके साथ ही आपका लेटर राइटिंग और ये सारी चीजें देखना पड़ेगा, ठीक, ओके। आगे देखते हैं, एक हो जाएगा हमारा छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती, जो कि हमारा जो मुख्य उद्देश्य है छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती को लेके, ठीक है। तो यह टोटल 150 नंबर का जो पेपर होगा व्यापम में, उसमें 20 नंबर का पेपर, देखिए इसमें भी दो होगा, एक तो होता है वर्ग तीन बोल सकते हैं, क्लास थ्री ऑफिसर के लिए जो पहली से पांचवी तक के रहेगा, पीआरटी बोलते हैं जिसे, ठीक है, ये हो जाएगा। एक टीजीटी होता है, तो अगर हम टीजीटी में देखें ग्रेजुएशन लेवल जो मिडिल स्कूल के लिए रहेगा, तो अगर हम उसमें देखते हैं तो ये जो रहेगा इसमें 20 नंबर का रहेगा और इसमें भी क्या रहेगा, 20 नंबर का रहेगा, ठीक है। और इसके साथ साथ हम देखना कि क्या होता है, 25 नंबर का अगर सेक्शन बनता है तो 5-5 नंबर का, या 25 रहेगा तो 25-25 नंबर का रहेगा। तो इस प्रकार से क्या है, इसका कंट्रीब्यूशन हर एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। जैसे कि आगामी भर्ती में हमारा छात्रावास है, लेबर इंस्पेक्टर है, बहुत सारे एग्जाम है, उसमें भी आपको 10 नंबर का कंपलसरी क्या रहता है, व्यापम के सिलेबस में रहता है, ठीक है। अगर ऑडिटर का वैकेंसी आता है तो उसमें 100 नंबर का रहता है। लगभग हर एग्जाम में कंपलसरी है ये, और सबसे निर्णायक रोल अदा करता है हिंदी की समझ, हिंदी पे आपका कैसा पकड़ है, इस हिसाब से हिंदी की क्लास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज का हमारा जो क्लास रहेगा वह होगा संधि एवं संधि विच्छेद का, ठीक है। तो संधि किसे कहते हैं, हम सबसे पहले इस पे फोकस करते हैं। तो देखते हैं, जैसे कि हम लोग देख रहे हैं क्या है संधि, ठीक है। संधि किसे कहते हैं, संधि दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को, दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को हम क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। अब देखेंगे कि दो वर्णों का मेल क्या होता है, हाँ, तो दो वर्णों का मेल देखने के लिए हम क्या करते हैं, सपोज देयर देखते हैं राम, ठीक है, और एक होता है अनुज। तो राम का छोटा भाई हम किसको बता रहे हैं, लक्ष्मण को बता रहे हैं। अब क्या होगा कि आप बार बार रामानुज 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 बार बार पढ़िए इसी को, तो इसी को बार बार पढ़ने से अच्छा होता है कि बार बार लिखना भी है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, लिखने में थोड़ा सा क्या करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे। इसका अंतिम अक्षर और इसका पहला अक्षर जब जुड़ जाता है, ठीक है, तो इसमें क्या है, म जो होता है हमेशा म के साथ हलन प्लस अ होता है, इसके ध्यान देंगे, म में हलन प्लस अ होता है, ठीक है। तो राम में म हलन लगा, अ लग गया, और इधर क्या है, अ है, तो ये क्या होगा, इन दोनों को जोड़ देते हैं, इसके स्वर उसके स्वर को जोड़ दिए, या इसके व्यंजन उसके व्यंजन को जोड़ दिए, या इसके विसर्ग उसके विसर्ग, इसके विसर्ग और उसके स्वर या व्यंजन को जोड़ दिए। तो ये जो लास्ट पॉइंट का जो जोड़ना होता है उसे ही हम बोलते हैं संधि, ठीक है, ये याद रखना है। चलिए, तो क्या होगा, दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को हम क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। यह संस्कृत का शब्द है, सबसे पहले बात इंपॉर्टेंट है, उच्चारण की दृष्टि की सुविधा के लिए ही यह संधि क्या होता है, बनाया जाता है। सूर्य उदय सूर्य उदय सूर्योदय बोल दिए, ठीक है। दो पदों या शब्द जब पास पास होते हैं तो पहले शब्द के अंतिम वर्ण, देखो सूर्य का अंतिम वर्ण में क्या है, यह है, ठीक है, यह में क्या लगा है, र भी है और अ भी है, और तथा दूसरे शब्द के प्रारंभिक अक्षर या वर्ण को, ठीक है, दूसरे शब्द के जो प्रारंभिक अक्षर या वर्ण को जोड़ देते हैं, पहले के अंतिम दूसरे के पहले, पहले के अंतिम दूसरे के पहले, देखो पहले के अंतिम है और दूसरे का पहले, इन दोनों को जोड़ते हैं, तब क्या होता है, जब दो अक्षर या वर्ण को मिलाया जाता है, क्या किया जाता है, मिलाया जाता है, तो उत्पन्न उत्पन्न होने वाले विकार को, तो हो उत्पन्न होने वाले विकार को हम क्या कहते हैं, संधि कहते हैं, ठीक है।
ठीक है, इतना आपको याद रखना है। जब दो अक्षर या वर्णों को मिलाया जाता है तो उत्पन्न होने वाले विकार को हम क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। ठीक है, अब आता है, चलो ठीक है संधि हो गया, संधि विच्छेद क्या होता है, तो संधि मतलब होता है जोड़ना, अब जुड़े हुए पार्ट को अलग करना, उसे हम क्या बोलेंगे, विच्छेद करना। ठीक है, विग्रह होता है पदों का, ठीक है, जब हम समास में जाएंगे तो उसमें विग्रह होता है, उसमें क्या होता है और इसमें विच्छेद होता है, ये दोनों चीजों को हम लोग देखेंगे, जब समास पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा, अभी तो फिलहाल विच्छेद को पढ़िए। इस मिलावट को समझकर वर्णों को अलग करते हुए, किसको अलग करते हैं, वर्णों को, और उसमें किसको अलग करते हैं, उसमें शब्दों को अलग करते हैं, यही अंतर हो जाता है विग्रह और विच्छेद में। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, विच्छेद मतलब क्या हो जाएगा, शब्दों को अलग करिए, ठीक है, वर्णों को अलग करिए, वर्णों को अलग करिए, ठीक, और अगर विग्रह बोल देगा, विग्रह करके, तो हम क्या करेंगे इसमें, शब्दों को अलग करेंगे, शब्दों को अलग करेंगे। ठीक है, चलिए तो चलते हुए, तो इस मिलावट को समझकर सवर्णों को अलग करते हुए पदों की अलग अलग कर देना, पदों को क्या करना, अलग अलग कर देना ही क्या कहलाता है, विच्छेद कहलाता है। ठीक है, चलिए आगे के क्रम में देखते हैं। ठीक है, संधि के भेद देखते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि संधि के प्रकार कितने होते हैं, संधि के जनरली होते हैं तीन प्रकार, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। स्वर संधि दो, स्वर प्लस स्वर, ठीक है, स्वर प्लस स्वर, एक पहला पद का अंतिम अक्षर स्वर होगा, दूसरे पद का पहला अक्षर क्या होगा, स्वर होगा। अभी हम और अच्छे से समझेंगे, स्वर प्लस स्वर स्वर संधि, पहले तो ऐसे याद करेंगे, याद करने के तरीके बता रहा हूं, व्यंजन प्लस स्वर या व्यंजन, व्यंजन प्लस स्वर या व्यंजन, इसे बोलेंगे व्यंजन संधि, और विसर्ग संधि को बोलेंगे विसर्ग, पहला पद तो विसर्ग हो गई, पहला का अंतिम अक्षर वर्ण, लेकिन दूसरा का स्वर या व्यंजन हो सकता है। ठीक है, देखो बहुत आसान है, स्वर प्लस स्वर व्यंजन, स्वर प्लस व्यंजन विसर्ग, स्वर प्लस व्यंजन। ठीक, अब देखते हैं स्वर संधि को हमने पांच भागों में तोड़ा गया, इसको पांच प्रकार होते हैं, एक होता है दीर्घ स्वर संधि, एक होता है गुड़ स्वर संधि, एक होता है वृद्धि स्वर संधि, एक होता है यड़ स्वर संधि, एक होता है अयादि स्वर संधि। याद करने का और तरीका थोड़ा सा बता दूं, दीर्घ मतलब होता है बड़ा भाई, क्या होता है बड़ा भाई, हर चीज का बड़ा बड़ा, देखो अ का बड़ा क्या है आ, ई का बड़ा क्या हुआ ई, ठीक है, ऊ का बड़ा क्या हुआ ऊ, और ऋषिगिरी का बड़ा क्या हो जाएगा ऋषिगिरी हो जाएगा। ओके, ये चार बड़ा भाई है। गुड़ क्या होगा, थोड़ा से जुड़ेगा तो अ ई ए हो जाएगा, तीन चीजें बनाएंगे अ ई ए अ ऊ ओ अ ऋषिगिरी अर, तीन शब्द बनता है ए ओ अर। ठीक, अभी समझ नहीं आएगा, आप एग्जांपल देखेंगे तब समझ आएगा, अभी फिलहाल आपको ट्रिक को रटना है और से टेबल बना के पढ़ते चलना है। ठीक है, तो ए बना ओ बना और क्या बना अर बना। अब आते हैं वृद्धि में क्या हो रहा है, तो अ और ए क्या हुआ ए हुआ ए हुआ, ठीक है, आ ए ऐसे बोलेंगे तो ए होता है, आ और ओ को जोड़ो अओ 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 अ बोलेंगे। ठीक है, तो अओ अओ करके हम क्या बोलते हैं अ बोलते हैं, और एक होता है या होता है। अब देखो क्या होता है कि हम लोग सोचते हैं कि हम उच्चारण करेंगे एग्जाम में जाके लगा लेंगे, ऐसा होता नहीं है जनरली, क्योंकि हम शुद्ध हिंदी उतना अच्छा से नहीं बोलते हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है, एकदम दिमाग लगा के ये मत सोचना कि मैं वहां जाके उच्चारण सही कर लूंगा, पकड़ लूंगा कि अ और ओ को जोड़ूंगा ओ हो जाएगा, अ हो जाएगा, अ ऊ को जोड़ूंगा तो ऊ हो जाएगा, ऐसे नहीं होता, आपको पढ़ना पड़ेगा और सीधा जाके लगाना है आंसर। ठीक है, वहां जाके उच्चारण करते नहीं रहना है। तो ई और आ देखो, ये जो यड़ है गुड़ का क्या है अपोजिट होता है विचारण, तो आ और ई ए हो गया, तो यड़ क्या बोलता है नहीं, हम उल्टा करके देखते हैं, तो ई को आ से जोड़ दिया तो यह हो गया। ठीक है, देखो ई के आ से जोड़ दे तो यह हो जाएगा, आ और ऊ को जोड़ो ओ होता है, लेकिन यहां पे क्या हो जाता है ऊ को आ से जोड़ दो वह हो जाता है। अब इसको थोड़ा सा बोल के देखते हैं, इय 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 ऐसे करके बोलेंगे तो इय इय अंतिम में क्या आता है य का उच्चारण आता है, तो यही तो उच्चारण है। अब आप बोलेंगे उ और अ बोलिए, देखो उ उ उ उ तो अंतिम में क्या होता है व का उच्चारण आता है, इसी को बोलते हैं यड़ स्वर संधि। और थोड़ा से आना है तो जिस शब्द में य बनता है पूरे संधि में य कहीं नहीं बनता, केवल यड़ में बनता है, खत्म मामला। व और य इसमें क्या बनेगा, व और य इसमें क्या बनेगा ए ओ, इसमें क्या बनेगा अ ए ओ अर, इसमें क्या बनेगा आ ई उ और ऋषि, सब बड़ा भाई। अंतिम अयादि स्वर संधि, अयादि स्वर संधि का क्या है, देखो एक तो होता है ये वृद्धि का अपोजिट होता है, हाँ वृद्धि मतलब धीरे धीरे बढ़े जाएगा, देखो ए है बढ़ चुका है किसमें गुण में, तो गुण का वृद्धि क्या हुआ वृद्धि स्वर संधि हुआ। ठीक है, तो ए जो है अ और ए ए हुआ, अब उल्टा कर दिया, बोलता है वृद्धि को उल्टा करो तो क्या हो जाएगा ए और अ हो जाएगा, ए और अ क्या हो जाएगा अ। ठीक है,
तो और एक ओ प्लस अ को जोड़ दो तो अ होता है, लेकिन अगर ओ प्लस अ को जोड़ो तो अ हो जाता है। इसमें ए को ओ के साथ जोड़ेंगे क्या होगा, अ होगा, और यहाँ पे ओ को अ के साथ जोड़ेंगे तो अ हो जाएगा। ठीक है, चलिए थोड़ा सा रुक रुक के पढ़ेंगे, इसमें बहुत ज्यादा चीजें नहीं रहते, एकदम नए बच्चों के लिए थोड़ा ज्यादा रहते हैं, और एक बार आप समझ गए तो आपको दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, कुछ चीजों पे मैं पर्सनल सजेशन ये करता हूं कि आप यहाँ पे उच्चारण पे फोकस मत कीजिए, सीधा क्या करना है आपको समीकरण मिलाने टाइप से पढ़ना है। अच्छा, इसका अपोजिट ये है तो इसको पलट दो, इसका पॉजिटिव है तो पलट दो। ठीक, उच्चारण में हम लोग सही उच्चारण नहीं कर पाते, कई बार गलत होने के चांसेस रहते हैं। ए अ आई, ठीक है, देखो ने हुआ, ने में अन जोड़ दिया, ने में अन जोड़ दिया, अब समझो बात को संधि का। ठीक है, ने में क्या है एक्चुअली, कायदे से बोला जाए तो ये ने हलन प्लस ए है, और ये क्या है, ये अ प्लस अन है, तो ए और अ को जोड़ दो ऐसे करके तो क्या बन जाएगा, ए और अ क्या हो जाएगा, अ हो जाएगा, अ। ठीक है, तो न धन अ धन अन, तो क्या हुआ, न या न, ऐसा। ठीक है, इसको और थोड़ा सा समझ जाते हैं, देखिए ने धन अन, क्या बोला मैं, नयन, कैसे होगा, देखो ने को आपको और कैसे लिखेंगे, ने हलंत प्लस क्या लिखेंगे, ए लिखेंगे। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, अन हो जाएगा। ठीक है, अब ए अ ना, ए और अ ये हो गए, ए और अ क्या हो जाता है, यहां पे बोला था आय हो जाता है, यहां पे क्या है, ना हलंत है। ठीक है, यहां पे क्या हुआ, ना बचा हुआ है, अब इन तीनों को जोड़ दो, ये हलंत है, आ है, क्या हो जाएगा, पूरा ना हो जाएगा, सौगे नौ, फिर यह और ये हो जाएगा नौ, इसको क्या बनेगा, नयन। आपको ऐसे करके थोड़ा से समीकरण मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट से समझेंगे तो जाके सही समझ आता है। ठीक है, आगे देखते हैं, ए धन ई क्या हुआ, आई, क्या हुआ, ए धन आई, ए धन ई क्या हो जाता है, आई हो जाता है। ओके, आई ए ई, ए ई को आई आई पढ़ेंगे, तो नए धन ई का क्या हुआ, नाई का। ओके, ओ धन अ क्या हुआ, अ हुआ, ओ धन अ क्या हो जाएगा, अ हो जाएगा, तो भोधन अन भवन। ठीक है, चलिए कैसे हुआ देखते हैं, जैसे हमने क्या देखा, भोधन अन, भोधन अन। ठीक है, अब देखो फिर वैसे ही करते हैं, भ ये हो गया ओ, ठीक है, ये हो जाएगा अ, हाँ क्या बनाया, यही बनाया है, ओ धन अ। ठीक है, ये हो गया, अब देखो ये ओ और इसको जोड़ दो, आप देखिए यहां पे क्या किया हुआ है, यहां पे क्या किया, ओ धना को जोड़ दिया, औ हो गया। ठीक है, तो हमने क्या किया, ओ धना को जोड़ के क्या कर दिया, औ कर दिया। ठीक है, यहां पे हलंत है, ये हलंत हुआ, ये दोनों जुड़ गया, भ का हलंत प्लस अ क्या हो जाएगा, भवन हो जाएगा। ठीक है, सबसे ज्यादा चमत्कारिक शब्द लगता है आपको कौन सा, सबसे ज्यादा चमत्कारिक लगता है आपको ये अयाधीश्वरसन। ठीक है, तो ओ धन ई अवि, गो धन ई गविस हो जाएगा। ठीक है, अ धन अ आ हुआ है, यहाँ पे प धन अन पावन हो जाएगा। ठीक है, ये हुआ हमारा अयाधीश्वरसन, इसको और थोड़ा से पढ़ेंगे टाइम मिलेगा तो आगे, अभी हम लोग चलते हैं कि इसमें हमारा पहला टॉपिक है गुड़ स्वर संधि पे। सबसे पहले दीर्घ स्वर संधि पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, दीर्घ स्वर संधि, दीर्घ स्वर संधि मतलब स्वर संधि पढ़ेंगे, उसके अंदर दीर्घ स्वर संधि पढ़ेंगे। इससे पहले आपको बेसिक थोड़ा और क्लियर कर देता हूँ कि स्वर क्या होता है, व्यंजन क्या होता है। स्वर क्या होता है, हो ये होता है 11, और व्यंजन क्या होता है, ये होता है 33। स्वर मतलब क्या होता है, अ आ ई ई उ ओ अ अम अह ऋषिकृत, ये कितना हुआ 11, कई पुस्तक में 13 दिखेगा, हालांकि पीएससी ले चुका है 11, तो अपने को मानना है 11। ठीक है, व्यंजन में याद रखते हैं, व्यंजन की संख्या है 33। ठीक है, इसको मैं जब स्वर और व्यंजन वाले जो वर्ण वाला धातु है उसमें पढ़ाएंगे तो और डिटेल पढ़ेंगे, क से लेके ज्ञ तक के। हाँ, जैसे हम लोग पढ़ते हैं ना, एक होता है कंठ होता है, के टी डी एम ओ, के टी डी एम ओ ऐसे करके, ये हो जाएगा तालु हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, दंत, हाँ दंतव्य हो जाएगा, दंत हो जाएगा, ये मूर्धा हो जाएगा। ठीक है, ये ओष्ट हो जाएगा, ऐसे ये सब संघर्षी व्यंजन है। तो के टी डी एम ओ, हाँ क ख ग घ ङ क वर्ण, च च च इया च वर्ण, टठ तथ न त वर्ण, तथ तथ न। ठीक है, और एक हो जाएगा हमारा कौन सा, प फ ब भ म, ये पांच वर्ण तो 25 ऐसे ही हो जाते हैं। ठीक है, ये कितना हो जाएंगे 25। इसके बाद य र ल व, जिसे अर्ध स्वर कहते हैं। ठीक है, अंतस्थ व्यंजन आ जाएगा, चार क्या आ जाएगा, अंतस्थ हो जाएगा, इसको और हम लोग पढ़ेंगे, चार हो जाएगा, संघर्षी हो जाएगा, स स स ह करके।
ठीक है ओके। और ढाड़ा ऐसे तो 12 टन मिला के ये हो जाता है 33, कितना हो जाता है जी 33। तो 33 अब क्या होता है, स्वर व्यंजन तो क्लियर हुआ। एक आपको थोड़ा सा और क्लियर करना, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर क्या होता है। ह्रस्व स्वर मतलब होता है एकदम छोटे छोटे वाला जिसमें दूसरा चीज जुड़ा चीनी है, अ ठीक है, इसके साथ हुआ ई और उ, ये तीनों शब्दों को हम लोग बोलते हैं क्या बोलते हैं, ह्रस्व स्वर बोलते हैं, ठीक है। अब इसी में क्या होता है, छोटा छोटा जुड़ेगा तो इसे आ ई उ ओ अ, ठीक है, ये सब क्या हो जाएगा आपका दीर्घ स्वर हो जाएगा। कई बच्चे गलती करते हैं, ओ को क्या मानते हैं, ह्रस्व स्वर मानते हैं, नहीं होगा ह्रस्व स्वर, क्यों होगा, क्योंकि इसमें अ भी है और इसमें क्या है ई है, तभी जाके ओ बनेगा। और ई क्या हुआ, ओ हुआ, वृद्धि स्वर संधि, अभी चलेंगे हम लोग, ठीक है। तो आपको क्लियर करो कि स्वर समझ आया, व्यंजन समझ आया, ह्रस्व समझ आ गया और दीर्घ समझ आ गया। अब हम चालू करते हैं संधि, संधि देखते हैं तो सबसे पहले परिभाषा देखते हैं कि स्वर संधि किसे कहेंगे। मेन सेंस की तैयारी कर रहे हैं तो आपको परिभाषा में थोड़ा फोकस करने की जरूरत है, लिख लिख के लिखना पड़ता है, ठीक है। तो दो स्वरों के मेले से होने वाले विकार को स्वर संधि कहते हैं, ठीक है। दो ठोक स्वर होगा, क्या स्वर होगा, देखो ये है पहला एग्जाम्पल हमारा, क्या है, उत्तम धन अंग, उत्तम में म है तो म प्लस हलंत कर दीजिए, क्या करेंगे म प्लस हलंत ऐसे, ठीक है। इसका बाहर निकाल दो, उसका बोलते हैं ना आत्मा को शरीर से बाहर निकालो, इसकी आत्मा को बाहर निकाल दिया तो बच्चा शरीर में क्या म, म में लगेगा हलंत, ठीक है, जब तक हलंत नहीं लगेगा वो खत्म नहीं होगा। तो म को हलंत के साथ दिखाएंगे अगर उसको आपको निकाले, तो ऐसे ही कर दिए यहाँ पे। और इधर का क्या है अ, अब ये एक अ है और ये अ है, इन दोनों के दोनों जुड़ गए, क्या हो जाएंगे एकदम दीर्घ स्वर संधि, ठीक है। दीर्घ स्वर संधि मतलब बड़ा भाई, छोटा छोटा बड़ा, बड़ा छोटा बड़ा, छोटा बड़ा बड़ा, बड़ा बड़ा बड़ा, ऐसे ही चलेगा। देखो अ अ आ अ अ आ, छोटा बड़ा बड़ा, बड़ा छोटा बड़ा, बड़ा बड़ा बड़ा, ठीक, कितना आसान है। चलो तो उत्तम धन अंग क्या हुआ, उत्तमांग हुआ। यहाँ पे अद्य धन अवधि, द और अ क्या हो जाएगा, धा हो जाएगा, द अ धा, अधावधि। दैत्य धन अरी, अरी तो ये हो जाएगा दैत्यारी। यहाँ का अ और यहाँ का क्या हो गया, आ हो गया, ये दोनों अ क्या हो गया, आ हो गया। यहाँ पे लिखा हूं दैत्य धन अरी, दैत्य का यह अ और इसका, ये दोनों क्या हो गया, आरी। अरी मतलब होता है दुश्मन, तो दैत्य का दुश्मन कौन है, देवता, ठीक है। सूर्य धन अस्त, ठीक है, सूर्य धन अस्त, देखो सूर्य धन अस्त क्या हो जाएगा, सूर्यास्त, ये हुआ छोटा वाला। अब अधन आ बड़ा हुआ, कुश धन आसन, कुशासन, ठीक है। पुस्तक धन आलय, देखो पुस्तक में अ है इधर बड़ा है तो पुस्तकालय होगा, ठीक है। छात्र धन आवास क्या हो जाएगा, छात्रावास, ये त्र वाला इसके साथ जुड़ गया, छात्रावास, ठीक। नव धन आगत, नव धन आगत, नवागत हो जाएगा, ठीक है, नव आगत, नव आगत, नव आगत ऐसे पढ़ेंगे तो एक टाइम पास ऐसे लगेगा कि नवागत के बराबर बोला जा रहा है, तो नवागत, नवागत ऐसा, ठीक है। अब बड़ा भाई पहले आ जाता है, ठीक है। तो विद्याधन अर्थी क्या हुआ, विद्यार्थी, पढ़ते हैं। कई बार क्वेश्चन दिक्कत होता है, जो पुराने बच्चे हैं, जो लोग हिंदी में थोड़ा ठीक ठाक पेपर दिए हुए हैं 4-5 सालों से, उनको पता है कि ऐसे पढ़ने से तो बन जाता है, ऐसे पढ़ने से नहीं बनता। तो हम कोशिश करेंगे थोड़ा से कि हम इसको क्या करें, ऐसे बंद करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। विद्यार्थी, विद्यार्थी कैसे देखेंगे, सबसे पहले कि विद्या तो अलग हो रहा है, क्योंकि विद्या, विद्या नहीं होता, पहले बोलते हैं विद्या बोलते हैं, विद्या हो ही नहीं सकता, उसका स्वतंत्र से मीनिंग नहीं है, तो आपको क्या करना है, एक सार्थक वाला मीनिंग निकालना है। तो आप क्या करेंगे, आप क्या करेंगे, जैसे कि हम विद्यार्थी पढ़ते हैं, ठीक है, देखो हम लोग क्या बना रहे हैं, विद्यार्थी बना रहे हैं, विद्यार्थी बना रहे हैं जी। अब क्या होगा, तो सबसे पहले एक को अलग करेंगे तो क्या हो जाएगा, विद्या। अब बचा क्या, अब बचा क्या, दिमाग लगाओ, देखो विद्या अलग हो गया, इसमें का आ जो है ना, ये क्या है बड़ा, और इसका को भी लेके रखा हुआ है वो, तो इसके आ को इसको देगा, ठीक है, इसके आ को इसको देगा तो क्या हो जाएगा, ये विद्या अलग हो जाएगा, और इसका इसको देगा तो क्या हो जाएगा, ये अर्थी अलग हो जाएगा, ठीक है। तो अपना मंग लिया, बाद में जोड़ना है तो बोल देंगे बड़ा भाई मैं हूं, तो तू भी आ जा, तो मैं बड़ा हो जाऊंगा, बड़ा बड़ा हो जाएगा, और बड़ा कहाँ होगा। तो ऐसे चीजें हैं ये, ठीक है। तो आपको थोड़ा से ऐसे लॉजिक से पढ़ना है, ठीक है। तो देखो विद्याधन अर्थी, विद्यार्थी, माया, मायाधन अधीन, अधीन होता है, कई बच्चे अधीन बोलते हैं, गलत है, मायाधन अधीन, मायाधीन। कदाधन अपि, कदापि, ठीक है, क्या होगा, कदापि। यथाधन अर्थ, यथार्थ, कोशिश करेंगे दोनों तरफ पढ़ने का, तभी जाके बनेगा, एक तरफ पढ़ने से तो नहीं बनता। विद्याधन अर्थी, मायाधन अधीन, नॉट आधीन। कदाधन अपि और यथाधन अर्थ, क्योंकि दोनों क्वेश्चन आ सकते हैं।
अब देखो इसको इस साइड से करते हैं, जैसे आत्मानंद बहुत ज्यादा चलता है, आत्मा धन आनंद होता है, ठीक है। तो आत्मा में बड़ा और इसमें भी बड़ा, बड़ा बड़ा क्या हो गया, बड़ा हो गया, ठीक है। जैसे गदा घात है तो गदा का गदा और आघात हो जाएगा। दया धन आनंद क्या हुआ, दयानंद, ठीक है। विद्या धन आलय, विद्या और आलय क्या हुआ, विद्यालय, ठीक। तो इस प्रकार हमने एक टाइप कर लिया किसका, अ सीरीज का। अब हम आते हैं ई सीरीज में, आते हैं ई सीरीज में। देखो देखो छोटा छोटा ई, बड़ा ई हो गया इक्के ई, बड़ा ई छोटा ई क्या हुआ, बड़ा ई हुआ, फिर छोटा बड़ा हुआ बड़ा, और बड़ा बड़ा बड़ा, चार कंडीशन। सबसे पहले ई को बड़ा ई बना, देखो अति, अति में अगर बात करें तो बड़ा ती लगा है, लेकिन जब इसका संधि विच्छेद करेंगे तो अति धन ईव हो जाता है, क्या होता है, अति धन ईव। अभिधन इष्ट हो जाता है, अभिष्ट कैपिटल भी, ठीक है। मुनि धन इंद्र हो जाएगा, मुनिंद्र, और वारी धन इंद्र क्या हो जाएगा, वारिंद्र, ठीक है। तो छोटा ई है इसका और इसका ई बड़ा ई हो गया यहाँ पे, ओके। ध्यान देना कि ऐसे करके पढ़ने की कोशिश करना, जैसे कि हमारे पास क्या है, एक पुस्तक है, आप पुस्तक पढ़ रहे हो ऐसे पढ़िए, ठीक है। तो वारी धन इंद्र, मुनि धन इंद्र, अभिधनिष्ठ, लिखने के समय गलती नहीं करना है, छोटा ही मानना है, ठीक हो गया जी ये। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं यहाँ पे, ई धन ई क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। तो महती धन इच्छा क्या हुआ, महतीच्छा, महती धन इच्छा, महतीच्छा बहुत आसान है बनाना, बनाना दिक्कत होता है आपको, ऐसे करके आप पढ़ो कि ये बड़ा मही है कि छोटा मही है करके। तो आपको कुछ कुछ शब्दों को जानना है कि जैसे मही का मतलब होता है पृथ्वी, तो उसमें बड़ा ई लगेगा, ठीक है। देवी इच्छा, तो देवी क्या होगा, बड़ा ई वाला। सची इंद्र, इंद्र की पत्नी, सची धन इंद्र, बड़ा ई वाला है, ठीक है। यह हुआ दो टाइप। अब इसमें आ जाओ, छोटा बड़ा बड़ा हो गया, ठीक है। तो देखो कपीस, कपी धनिस, कपीस कोई दिक्कत नहीं, गिरी धनिस, गिरीश, प्रतिधनिस, प्रतीक्षा, कवि धनिस, कविश्वर। अब आप करिए ऐसा, पहला राउंड में दिखे तो कपी हमेशा छोटा पी लगता है, गिरी में क्या लगता है, छोटा री लगता है, छोटा गी छोटा री, प्रति छोटा ती, कवि छोटा वी, ठीक है। ऐसे आप पढ़ेंगे तो जाके आप सही अप्रोच में पकड़ पाएंगे। अब ये बड़ा 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 वाला है, देखो बड़ा ई बड़ा ई बड़ा ई। रजनी धनिस क्या हुआ, रजनीश, ठीक है। चंद्रमा को बोलते हैं, रजनी का स्वामी कौन है, चंद्रमा, तो रजनीश, ये बड़ा ई आता है। मही बताया अभी, मही धनिस क्या हो जाएगा, महीस हो जाएगा। पृथ्वी का स्वामी कौन होता है, राजा, महीस बोलते हैं राजा को, ओके। एक होता है श्री धन ईस क्या हो जाएगा, श्रीश हो जाएगा, लक्ष्मी के स्वामी विष्णु जी। और गौरी धनिस हो जाएगा, गौरी शंकर जी, ठीक है। ये सब में क्या हुआ, बड़ा ही आया, इधर तो आएगा। अब कुछ शब्दों को आपको याद रखना है कि इच्छा इंद्र, ये दोनों छोटा ही वाला है, एक इस इच्छा, ठीक है। हाँ देखो यहाँ पे बहुत सारे बच्चे बहुत गलत करते हैं, आपको ध्यान देना है। अगर कौन सा इच्छा पूछ रहा है आपको ये देखना पड़ेगा, प्रतीक्षा वाला जो रहेगा वो बड़ा ही रहेगा, लेकिन देविच्छा में इच्छा वाला जो रहेगा, चाहना वाला, वो छोटा रहता है, ठीक है। ये आपको याद रखना है। तो प्रतिधन इच्छा, प्रतीक्षा, ठीक है, ये आपको याद रखना है, ओके। तो ये छोटा ही है, ये बड़ा ही, इससे बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। और इस सीरीज पूरा क्या होता है, बड़ा ही होता है, ठीक है। इसी चरण में हम ऊ देख लेते हैं, छोटा छोटा ऊ बड़ा ऊ। गुरु धन उपदेश, गुरु में छोटा ऊ लगता है, कई बच्चे इसको गुरु बोलते हैं, नहीं होता, गुरु होता है, ठीक है। उसको घुमा के ऐसे खींचना रहता है नीचे साइड, ठीक है। तो गुरु धन उपदेश क्या हुआ, गुरु उपदेश। साधु धन उत्सव क्या हुआ, साधु उत्सव, सब बड़ा ऊ चला जाएगा। लघु धन उत्तर क्या हुआ, लघु उत्तर, क्यों बड़ा हो रहा है, क्योंकि ये छोटा है ये बड़ा है। सुधन उक्ति क्या हो जाएगा, सुक्ति, सु का उ और इसका उ, बड़ा हो गया सुक्ति। सुंदर उक्तिया, उक्ति मतलब पंक्तिया, ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब देखते हैं बड़ा उ और छोटा उ क्या हुआ, बड़ा स्वयं भू, ठीक है। इस सब में बड़ा बड़ा आता है, पहले तो यही याद करो, वधु स्वयं भू चमु ये सब बड़ा उ है। उधर क्या है, उदय है, उपालव है और उत्तम है। आप ऐसे करके पढ़ेंगे स्वयंभू, तो स्वयंभू पूरा बड़ा, और ये उदय, उदय एक स्वतंत्र अर्थ होता है, दय कुछ नहीं होता। वधु धन उपालम, ठीक है, उपालम हो गया, और चमु धन उत्तम हो जाएगा, ठीक, ये हो गया। ये लास्ट देख लो, छोटा ऊ बड़ा ऊ बड़ा ऊ। धातु धन उष्मा, उष्मा बड़ा होता है, उर्मी बड़ा होता है, ऊर्ध्व बड़ा होता है, ऊर्जा बड़ा होता है, एक उड़ा बड़ा होता है, एक उर्घुनी बड़ा होता है। ये छह चीजें बड़ा होता है, इसको पहले लिख लेना कॉपी में मस्त, इसके बाद नहीं बिगड़ेगा क्वेश्चन उस सीरीज का। उष्मा, उर्मी, ऊर्ध्व, ऊर्जा, उड़ा, उहनी, ठीक। धातु धन उष्मा, धातु उष्मा हो जाएगा। दूसरा सिंधु का छोटा ऊ, इधर का बड़ा ऊ क्या हो गया, बड़ा ऊ हो जाएगा सिंधुर्मी। उर्मी मतलब होता है लहर, तो सिंधु की लहर, ठीक। बहुधन ऊर्ध्व, ठीक है, बहुर्ध्व। लघु धन ऊर्जा, लघु ऊर्जा।
ऐसे ही एक उड़ा शब्द होता है, जैसे प्र वाला सीरीज में पढ़ेंगे गुड्स और संधि में, एक होता है उहनी शब्द होता है, ये भी बड़ा ऊ होता है। पहले शब्द ऊ में यही दिक्कत होती है, कौन कौन सा बड़ा होता है। देखो बड़ा ऊ क्या हुआ, बड़ा ऊ हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। भू बड़ा ऊ पढ़े हैं, ऊर्ध्व क्या हुआ, भूर्ध्व, भ्रू धन ऊर्ध्व भ्रूर्ध्व हो जाएगा, ये भू है ये भ्रू है, ठीक है। आगे देखते हैं री री बड़ा री हो जाएगा ये, ठीक है, री री बड़ा, इसका एक ही केस मिलता है, जैसे पितरी छोटा री और इसका छोटा री, ठीक है। कई बच्चे क्या किसी को भी ठीक से उतना ये नहीं बन पाता, लेकिन आपको याद रखना है पितृधन ऋण क्या हो जाएगा, पितृण हो जाएगा, मातृधन ऋण क्या हो जाएगा, मातृण हो जाएगा। अब दिक्कत क्या है पता है, मातृण को आपको क्या करना है, संधि विच्छेद करना है, तो मातृण में मातृ तो एक स्वतंत्र अर्थ बनता है, इसमें दिक्कत नहीं है। इसका इधर क्या आएगा, तो इसका छोटा ही आएगा, ठीक है, आपको याद रखना है, बड़ा वाला उतना ज्यादा नहीं बनता, तो ये छोटा बनेगा, भातृधन ऋद्धि भातृद्धि। इस प्रकार आपका गुड्स और संधि क्लियर होता है, ठीक है। आगे चलते हैं, अब आता है हमारा सॉरी दीर्घ स्वर संधि खत्म होता है, अब हम लोग देखते हैं गुड़ स्वर संधि। गुड़ स्वर संधि में क्या होता है, अ और आ के साथ ई और ई को जोड़ना है, दो काम करना है, अ और आ इसके साथ ई को जोड़ना है या तो ई के ई को जोड़ना है, क्या बनेगा भाई, तो ये बनेगा आपका ए बनेगा, ठीक है। और एक काम क्या करना है आपको, एक काम करना है अ या आ के साथ, आपको क्या करना है अ या आ के साथ ऊ को जोड़ना है या तो ऊ को जोड़ना है, तो ये क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा, दो ही शब्द बनेगा, ठीक है। ये तो अ ई ए हो गया, अ ई क्या हुआ, ए हुआ, देखो नर धन इंद्र क्या हुआ, नरेंद्र हुआ। अब मैं एक ठोक बस बता रहा हूं, आप लोग थोड़ा समझिएगा, नर धन इंद्र कैसे, देखो नर नर धन इंद्र ये हुआ, अब हम इसको बनाते हैं न र, ठीक है, र में हलंत प्लस क्या हो जाएगा, अ प्लस ई, ठीक है, और ये क्या है, द्र है, ये अ ई दोनों जुड़ के क्या हो गया, ए हो गया, तो नर हलन धन ए प्लस द्र ऐसा हुआ। अब ये ए इसके साथ जुड़ गया, ऊपर में लग जाएगा, ठीक है, तो नरेंद्र। आपको ये चार स्टेप का चीजें दो स्टेप में बताता है। तो स्वधन इच्छा क्या हुआ, स्वेच्छा, सूर्यधन इंद्र सुरेंद्र, ठीक है, शुभ धन इच्छु शुभेच्छु। हिंदी पढ़ते पढ़ते थोड़ा सचेतन मन से पढ़ना पड़ता है कि इच्छु में छोटा हुआ आ रहा है, ऐसे ध्यान देना पड़ता है, सुरेंद्र सुर होता है। ज्ञान धन इंद्र ज्ञानेन्द्रिय, ठीक है, भारत धन इंदु क्या हो जाएगा, भारत इंदु, ठीक। अब अ और ई बड़ा ई हो गया, तो अपधन इच्छा, देखो इच्छा ईश्वर इच्छक इस, फिर चार शब्द रट लो, ये सब बड़ा ई होगा, ठीक है, इस और ईश्वर तो बताया, तो अपधन इच्छा क्या हुआ, अपेक्षा। योग धन ईश्वर क्या होगा, योगेश्वर, ठीक है, योग धन ईश्वर क्या हुआ, योगेश्वर, इधर का इधर कई क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, योगेश्वर। प्रधन इच्छा क्या हुआ, प्रेक्षक, प्रधन इच्छक प्रेक्षक, ठीक है, इसमें अ है और ये ई है, जुड़ गया। दीन धन इस क्या हो जाएगा, दिनेश, दिन का स्वामी कौन है, सूर्य है, ठीक। चलिए अब आता है हमारा आधन ई, ए हो जाएगा ये, ठीक है। महाधन इंद्र, इसे क्या बोलेंगे, महेंद्र, ठीक है, यहां का आ है यहां का ई है, क्या हुआ, ए हो जाएगा, महेंद्र। यथाधन इष्ट यथेष्ट, ठीक है, देखो इसको ऐसे करके पढ़िए, रमेंद्र में क्या होगा, तो रमे में रम नहीं होता, रमा होता है, राजेंद्र में क्या होता है, राजा होता है, ठीक है। जैसे यथाष्ट में क्या होता है, यथा, मूल शब्दों को निकालने आना चाहिए, बाकी बन जाएगा आपके। जैसे इसमें महाइंद्र होता है, महा नहीं होता है, ठीक है, तो राजा धन इंद्र क्या हुआ, राजेंद्र। रसना धन इंद्री क्या हुआ, रसनेन्द्रिय, ठीक है, ये पांच इंद्रियों में से एक होता है रसनेन्द्रिय, जो जीव इसका ये रहता है। अब देखो एक होता है आ, ठीक है, आधन इंद्र, देखो ये बड़ा ई, ई के साथ जुड़ा ए, लेकिन अगर ई के ई साथ जुड़ जाएगा तो भी से ई होता है, बताया था उसको, तो गुड़ाका धन ईस गुड़ाकेश, ठीक है, गुड़ाका धन ईस क्या हो जाएगा, गुड़ाकेश। रमा धन ईस क्या हो जाएगा, रमेश। लंका धन ईस क्या हो जाएगा, लंकेश, ठीक है, इंपॉर्टेंट इधर है, जैसे महेश हुआ तो क्या होता है, महाधन ईस होता है, महाधन ईस नहीं होता है, ऐसे आपको याद रखना है, और ईस तो बड़ा हुआ होता है, बता चुका हूं। आगे देखो अधनु उदक प्राप्त धन उदक, इसमें अ है इसमें उ है, अ उ अ उ बोलो तो बार बार ओ हो जाता है, दूसरा लक्षण है ये बी टाइप का। प्राप्त धन उदक क्या हुआ, प्राप्तोदक। नील धन उत्पल क्या हो जाएगा, नीलोत्पल, ठीक है। पर और उपकार क्या हुआ, परोपकार, क्या होगा, परोपकार, ठीक है। नर उत्तम नरोत्तम, ठीक है, नरों में उत्तम है।
अब इधर बनाओ देखो, देशोद्धार। देशोद्धार में क्या करेंगे, सबसे पहले तो एक सार्थक शब्द निकालो इससे, देश होगा। उसके बाद अब क्या बचा होगा, देश इधर आ गया, ओ उधर है, ओ है लेकिन अ के साथ इधर हुआ, तो बचा क्या इसमें, उ बचेगा, तो क्या हो जाएगा, उद्धार होगा। ठीक है, इसको देखो, ये हुआ क्या, जीण हुआ। अब जीण के साथ क्या बचा है, उद्धार बचा है। ठीक है, आपको थोड़ा सा ऐसे जज करना है संधि विच्छेद में, ओके। संधि बनाने में उतना दिक्कत नहीं है जितना संधि विच्छेद में। सर्वधन उत्तम क्या हो जाएगा, सर्वोत्तम हो जाएगा। इतना चीजों को आपको क्या करना, पकड़ना है। अब अधन बड़ाऊ, बड़ाऊ आता है तो ओ हो जाएगा, छोटा हुआ है बड़ा हुआ ओ होगा। जलधन उर्मी, जलोर्मी। ठीक है, उर्मी वाला एक बार सीरीज कर ले तो बार बार दिमाग में रहेगा कि हाँ बड़ाऊ आएगा। नवधन उड़ा, नवोढ़ा। लेकिन दो शब्द इसके अपवाद है, देखो प्रधन उड़ा क्या हो जाता है, प्रौढ़ा हो जाता है, प्रौढ़ा, प्रौढ़ा नहीं होता है, ये क्या होता है, प्रौढ़ा हो जाता है। कायदे सोना क्या चाहिए था, प्रौढ़ा होना चाहिए था, लेकिन प्रौढ़ा कोई प्रचलन में नहीं रहा हिंदी शब्द, प्रौढ़ अवस्था होता है। ऐसे ही अक्षधन उहिनी, अक्षौहिणी सेना बोलते हैं, अक्षौहिणी सेना, अक्षौहिणी सेना नहीं बोलते, ये दो इसके अपवाद है। ठीक है, एक बचता है हमारा आधन उ, आधन उ क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा। महाधन उद्धाम क्या हुआ, महोद्धाम, बड़ा लगा रहे हैं। इधर पकड़ो महोपकार, तो क्या होगा, अलग, महा, महा से उपकार। गंगोदक तो क्या होगा, गंगा होगा, गंग नहीं हो सकता, गंगाधन उदक, ऐसे। ठीक है, ऐसे बंद करके देखो, महा हो जाएगा फिर उदधी, उदधी। ठीक है, यस। आधन उ देखते हैं, महाधन ऊर्जा क्या हुआ, महोर्जा। गंगाधन उर्मी, गंगोर्मी। ठीक है, महाधन ऊर्ध्व क्या हुआ, महोर्ध्व। एक होता है महाधन उर्मी, महोर्मी, ये हुआ बड़ा आ बड़ा उ, ओ। अब आता है तीसरा सी टाइप का, अर होता है, अ और ऋषिगिरी अर हो जाता है। ठीक है, अ ऋषिगिरी क्या हो जाता है, अर। देखिए ब्रह्मधन ऋषि, ब्रह्मधन ऋषि क्या हुआ, ब्रह्मर्षि। ठीक है, ब्रह्मर्षि में ह में बात करें तो ह में क्या है भाई, हमें वह बार बार बता रहा हूं, हलन के साथ जोड़ सकते हैं उसको, शरीर आत्मा को अलग कर दो। ठीक है, इधर देखिए री और ये हुआ सी। अब ये री है, ये अ है, ये दोनों जुड़ गए, क्या बना लिए, अर बना लिए। ठीक है, अब देखो ह का हलंत वाला प्लस अ के साथ जोड़ दो तो ये बन जाएगा ह, और र वाला ऊपर चला जाएगा, किसके ऊपर चला जाएगा। ठीक है, ये ऋषि यहां पे नहीं आएगा। ठीक है, ये ऋषि ऐसा होगा। अब ये र ना इसके ऊपर में चढ़ जाएगा सीधा सीधा, तो ये तो ब्रा हो गया पूरा पूरा। इसके बाद क्या हो जाएगा, ब्रा बोलता हूं, हा। ठीक है, ब्रा तो पहले है, इसके बाद हो जाएगा हा, इसके बाद हो जाएगा स, और ये ऐसा हो जाएगा ब्रह्मर्षि। ठीक है, तो ये हुआ ब्रह्मर्षि। देवधन ऋषि, देवर्षि। ठीक है, राजधन ऋषि, राजर्षि। सप्तधन ऋषि, ठीक है, क्या हो जाएगा, सप्तर्षि, सप्तर्षि। ठीक है, चलिए, तो ये आपको याद रखना है। एक होता है लास्ट आपका आधन ऋषिगिरी अर, तो महाधन ऋषि क्या हो जाएगा, महर्षि, इसमें आ लगता है। महाधन ऋण क्या हो जाएगा, महर। ओके, ठीक। इस प्रकार हमने आज संधि के दो टाइप हमने पढ़े, स्वर संधि के, एक हमने पढ़े वृद्धि स्वर संधि, और एक हमने क्या पढ़े हैं इसके, गुण स्वर संधि। ठीक है, ये हमारा जो पीडीएफ है, ठीक है, पीडीएफ के रूप में टेलीग्राम में मिल जाइए, और हमारे आगे की क्लास के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। इसके साथ ही हमारी शिक्षक भर्ती, ठीक है, और संभावित है कि कल के में, मतलब हम क्या कर रहे हैं, हिंदी की क्लासेस को कंटिन्यू कर रहे हैं। ओके, ठीक है, थैंक यू।